हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेमिंग विद बादशाह। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो भी बात करूंगा बिल्कुल सटीक होगा और हाँ गाइस, ये आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं बिल्कुल रफ लैंग्वेज का यूज किया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप हेडफोन लगा लो यार कानों में, और ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लो, कुछ भी लगा लो, बस कानों में लगा लो और अपने घर वालों के पास तो रहो ही मत, ठीक है। तो चलो गाइस, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के लिए, क्योंकि यार बहुत बंदे बोलेंगे भाई तू क्या आके फ्री का ज्ञान चोद रहा है, तो भाई मैं ज्ञान चोद नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरे स्टैट्स कुछ, 16 का मैच मैंने 16 मैच खेले, 6 विंस है, 14 टॉप 10 है, 166 किल है, केडी रेशियो 10.38 है, और ये केडी रेशियो आपको पता है किल पर मैच में है। जी हाँ गाइज, क्योंकि आपको नया केडी सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूँ, आप जो चुतियापा कर रहे हो, मतलब जो बंदे अभी चुतियापा कर रहे होते कि भाई चिकन ले लेंगे तो मेरा केडी बढ़ जाएगा, और फ्री का पीछे से किल बिल्कुल एक या दो रखेंगे और बाकी केडी, मतलब पहले क्या होता था ना 50% मल्टीप्लाई हो जाता था, तो उससे क्या होता था अगर आप दो किल कर रहे हो तो वही केडी आपका 4 का बन जाता था। तो वो सीन वाला अब नहीं होने वाला भाई, वो आपका ये ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका 15 का, जैसे कि मेरा 15 का 100 हो रहा है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके मदद से ना आप लोग खुद भाई बोलोगे हाँ भाई मेरी केडी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब मुझे पता आप लोग को अच्छा ही लगेगा, बट लेकिन जिस लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आपको बुरा लग जाए। चलो यार कोई नहीं, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आपको करना क्या। आप बहुत लोग भाई ये सोच रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही होता है ना भाई, कुछ लोग अपना ही दिमाग लगाने वाले होते हैं, तो वो लोग कुछ अपना ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे भाई कि चलो अपन जॉर्जो पुल उतरेंगे और जॉर्जो पुल उतर के नशे करेंगे और भाई सब बंदे को पेल के भाई 20-20 किल लेके 20 का केडी करेंगे। तो भाई समझ लो, सुनो मेरी बात पहले सुनो, वो भाई आपके सपनों में ही होगा, क्योंकि जॉर्जो पुल में ना गन नहीं मिलती है, ये आप जान लो। गन मतलब एक दो स्क्वाड को मिल गई, क्योंकि यार यहाँ पे अभी सब यही सोचने वाले हैं और वहाँ पे कम से कम 4 से 5 स्क्वाड आनी ही वाली है भाई। तो यार यहाँ पे अगर मान लो 1 से 2 स्क्वाड को गन मिलती है, बाकी 3 क्या निठल्ले बैठेंगे, बताओ आप ही बताओ, मतलब क्या करोगे, बाकी 3 स्क्वाड क्या करोगे यार, पता नहीं यार, बीच में मतलब अलग ही सीन रहता है भाई। मेरे को मतलब एक ऐसा रहना चाहिए DND पबजी मोबाइल में, डू नॉट डिस्टर्ब यार, मतलब रिक्वेस्ट कोई भेज ही ना पाए। तो गाइस देखो यार, मैं अपना कैरेक्टर आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, बहुत लोगों को क्या लगता है भाई तू एडिट करके लगा रहा है भाई ऐसा वैसा, तो भाई लोग कैरेक्टर आईडी भी देख लेना, ठीक है, और हो सके तो पॉपुलैरिटी भी दे देना, और भाई जिनको भी फ्रेंड लिस्ट में आना होगा टॉप 10 में आ जाना, पॉपुलैरिटी में आ जाओगे भाई फ्रेंड लिस्ट में। तो चलो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ सीन यहाँ पे। सबसे पहले जो आप सोच रहे हो कि भाई पुश करेंगे, जॉर्जो करेंगे, नोवो करेंगे और जीत जाएंगे, वहां पे से 20-20 किल ले लेंगे, चलो आपने एक मैच खेला, एक मैच में 15 किल निकाल लिए, मेरी बात समझो, एक मैच में आपने 15 किल निकाल लिए, दूसरा मैच खेलने गया आपने शुरुआत में ही मर गए, भाई वही केडी आपका घट गया ना, 2 मैच में आपका केडी 7.5 का आ गया। अब क्या, अब तीसरा मैच में अगर मान लो फिर से भगवान ना करे ऐसा हो, या फिर आप कैसे भी मर जाओ तीसरे मैच में, तो भाई क्या होगा बताओ, वही केडी आपका 4.5 का आ जाएगा, 3.5 का आ जाएगा। तो यार ऐसे खेलना है क्या आपको मैचेस? तो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले सुन लो ये एक बात सुनो, आपको खेलना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग भाई बिल्कुल एक दो घरों पे उतर जाओ, मतलब भाई मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब बॉट टाइप उतरो, बॉट टाइप खेलो और भाई सांप बन जाओ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई मैं भी इसके अलग ही हूँ भाई, क्योंकि जो भी बंदा कॉन्क्यूरर कर रहा है उसको पता है कैसे मारते भाई, जो ये सांप वाले बंदे होते हैं ना कैसे पेलते हैं यार, मतलब वो पता है, इसलिए आपको मैं वैसे बोलूंगा भी नहीं, वैसा खेलो आप लोग। देखो आपको एक कंपाउंड होल्ड करना है, ठीक है। अब देखो यार पबजी खेल रहे हो आप लोग, पबजी मोबाइल खेल रहे हो इतने दिनों से, यार देखो मैं आपको बोलूंगा पोचिंग की, अभी पोचिंग की जॉर्जो पुल और नोवो से तो अच्छा ही है, बिकॉज उसमें ना जॉर्जो और नोवो से अच्छे गन्स मिल जा रहे हैं भाई पोचिंग की, ठीक है। और गाइस जैसा कि देखो, अगर प्लेन आपको मिल्टा पावर और ये वगैरह वगैरह होते जा रहा है, नोवो वगैरह साइड हो रहा है, तो आप लोग मिल्टा पावर उतर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्वाड आएगी क्लियर करो भाई, एक स्क्वाड तो क्लियर कर ही सकोगे। और यार गन लूटो, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है ना, आपको गन्स चाहिए होगा, सबसे पहले लूट करो फिर पेलो, मतलब समझ रहे हो, पहले लूटो फिर पेलो, क्योंकि अगर आपके पास लूट होगा तो भाई वो बंदे ऐसे ही हकड़ जाएंगे भाई। आप बताओ अगर आपके पास लेवल 3 वेस्ट लेवल 3 हेलमेट होता है, आगे लेवल 1 का वेस्ट हेलमेट लेके बैठा, आपके पास कितना एडवांटेज है भाई, बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है आपके पास, तो यार ये मत सोचो, और इतना तो पता है, बाकी तो यार आप पे डिपेंड करता है गन फाइट आप कैसा लेते हो,
उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको टोटल हर एक चीज बताऊं कि पास में फाइट आपको कैसे लेना है, दूर में फाइट कैसे लेना है, लॉन्ग रेंज फाइट कैसे लेना है, शॉर्ट रेंज फाइट क्या कहते हैं यार, क्लोज रेंज फाइट कैसे लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊं, जिगल कैसे करना है भाई, ए टू जेड जो भी प्रो टिप्स है, फिर भाई मैं तो नहीं मानता भाई अपने आप को प्रो, जो मानते हैं यार उनसे पूछ लो प्रो टिप्स, जो उन लोगों का कहना है भाई, प्लेयर प्लेयर होते हैं यार, खेलो साथ में खेलो बस मजे करो, ठीक है। और गाइस बहुत लोग तो यार अभी रैंक पुश करने के चक्कर में 12-12 घंटे खेल रहे हैं, भाई तुम ये बताओ इतने देर पढ़ाई कर लिए होते यार, मतलब भाई अब मेरे को बंदे क्या बोलेंगे, भाई तू बेकार का ज्ञान मत छोड़, ठीक है जो वीडियो बनाना है वही बना, इसीलिए चलो यार कोई नहीं, बट लेकिन भाई देखो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, ठीक है आप थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखो वरना भाई लग जाएगी, ठीक है ये पबजी मोबाइल हमेशा है और ये गेम आपके लाइफ से बढ़कर नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था आपको, ये मैसेज देना जरूरी था मेरे को, क्योंकि बहुत बंदे हो रहे हैं ना भाई दिन भर लगातार खेले जा रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। और गाइस चलो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको गन कौन सी लेनी है, अगर आप भाई कर रहे हो मतलब आपको खेलना है, आपको केडी पुश करना है, तो आप कौन सा गन मतलब छोड़ो और कौन सा गन पकड़ो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, एआर, ठीक है एआर, M4 हो गया, AKM हो गया, जिनकी डैमेज ज्यादा है उस गन को यार हाथ में रखो। अगर आप ड्रॉप लूट रहे हो, MK14 मिल रहा है, बहुत बंदे को देखता हूं भाई MK14 छोड़ के चले जाते हैं ड्रॉप में, भाई मैं बोलता हूं भाई क्या मतलब, MK14 छोड़ने वाली गन होती है यार, ऑटो पे चलाओ उसको पास में, भाई दो गोली लगते ही बंदा नॉक, ठीक है दो गोली लगते ही बंदा नॉक, तो यार मतलब ऐसे ऐसे बीस्ट गन को छोड़ा मत करो। ग्रोजा छोड़ देते हो भाई, ग्रोजा पता है भाई, M4 वो चलाएगा ना, कोई भी गन चला ले वो M249 तक चला लेगा ना, ग्रोजा सामने भाई लग जाएगी भाई, सिर्फ ग्रोजा का टक्कर MK14 ही दे सकता है, तो ये दोनों गन तो कभी छोड़ा मत करो। तो मैं आपको कॉम्बो बता दूं, आप स्नाइपर को थोड़ा सा भाई नीचे डालो, ठीक है स्नाइपर को थोड़ा सा नीचे डालो, बिकॉज अभी अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आप अगर स्नाइप करते हो एक बंदे को, तो आपने मान लिया भाई आप बहुत ही अच्छे तगड़े स्नाइपर हो, चलो एक नॉक निकाल लिया, दो नॉक निकाल लिया, भाई जब तक आप गाड़ी लेके उसके पास पहुंचोगे वो दो बंदा रिवाइव हो चुका होगा, अब आपके जो एआर वाले बंदे होंगे वो भाई घुस जाएंगे, अब यार घुस जाएंगे तो वो तो पकड़ लेंगे, तो इसलिए यार स्नाइपर रखना भी है आपको, तो यार ज्यादा नहीं स्क्वाड में एक बंदा स्नाइपर रखो, और एक मतलब एक बंदा स्नाइपर रखो, ये नहीं कि दोनों स्नाइपर पकड़ लेना, DMR पकड़ लिए हैं और एक स्नाइपर पकड़ लिए, भाई एक AR तो कंफर्म रखना ही रखना है आपको, M762 रख लो, AKM रख लो, अगर आपसे 7 की गन कंट्रोल नहीं होती तो भाई M4 रख लो, अब क्या भाई, अब क्या जान लोगे यार, मतलब इतना बता रहा हूं मैं आपको। और गाइस यूजी क्लोज रेंज फाइट के लिए बहुत ही बेस्ट है, M4, AKM, M762 तक को भाई वो पेल सकता है, ऐसा वो गन है, ठीक है। अगर आपने यूजी का 25 एमओ उतार दिया तो भाई वो बंदा बचना ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं बचना है भाई, तो यार वो मेरी बात समझो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आराम से फाइट लेना, मैं कहने का मतलब ये है कि आपको बस थोड़ा रुकना है, थोड़ा सा लूट लेना है, ठीक है, ये नहीं कि भाई आप लूट रहे हो दो सर्कल खत्म हो गया लूटते ही रहे हो, भाई आप लूटो पहला सर्कल में पूरा लूट लो, और उसके बाद भाई जैसे ही स्टार्ट हो ना सर्कल, बस अपने स्क्वाड को लेके निकल जाओ भाई पुश करने, अब बंदे जहां मिले पकड़ो घुसो और पेलो, ठीक है, और एक साथ पेलो, मतलब ये नहीं कि भाई दो बंदे भाई इधर जा रहे दो बंदे उधर जा रहे, एक साथ घुसो सबको पेल के आ जाओ भाई, और एक बंदा हाँ ये अगर आप पे कोई पुश हो रहा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलो, ये नहीं कि अंधा घुस जाना है आपको, ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, पोजीशन पहले पता करो, ये नहीं कि घुसने बोला मैं तो भाई आराम से आपने गाड़ी लाया भाई डायरेक्ट घुस गया, तो वहां पे आप चारों पिल जाओगे अगर कोई बंदा कैम करके बैठा हो, तो इसलिए भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पोजीशन पता करना है भाई कि पोजीशन क्या है बंदे का, क्या कर रहे हो बंदे, उसके बाद आपको घुसना है, और उसके बाद घुसने के साथ साथ भाई पेल डालो, मतलब उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, नॉक निकालो एक दो उसके बाद घुस जाओ अंधा, तो आपका ही फिर है। तो गाइज ये मेरे जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं आप लोग यूज़ करो, आई नो बहुत छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स लग रहा होगा आपको, बट यार यूज़ करने के बाद पता चलेगा कितना वैल्यूएबल है। और हाँ गाइज मैं आपको बता दूँ, जिनको भी लग रहा था मैंने कैरेक्टर आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आ जाओ पहले यार, और जिनको भी फ्रेंड में बनना है भाई तो आ जाओ पॉपुलैरिटी लिस्ट में टॉप 10, क्योंकि यार पॉपुलैरिटी चाहिए अपन को, ठीक है। आपका मेरा काम था भाई आपको बताना, आपको समझाना, मैं बताऊंगा समझाऊंगा, ठीक है आगे वीडियो डालते रहूंगा, बस आपकी मर्जी है कैसा सपोर्ट करो। तो चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक लौट भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।